हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई किचन। आज साई किचन आपके लिए लाया है होटल जैसा स्वादिष्ट और गाढ़ा टमेटो सूप। इसे ठंडियों के मौसम में ज्यादा पसंद किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपका टमेटो सूप एकदम परफेक्ट बने। और भी मजेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं टमेटो सूप की रेसिपी। टमेटो सूप बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज गाजर लिए हैं, 1 मीडियम साइज बीटरूट, 1 मीडियम साइज प्याज, 5 से 6 कलियां लहसुन की और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, और फ्रेश टमेटोज़ लिए हैं 1 किलो। इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हम सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके कटिंग कर लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पतला काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा भी काटेंगे तो सफिशिएंट है। बीटरूट डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है सूप का, और हमारा सूप गाढ़ा भी होता है। होटल में सूप को गाढ़ा करने के लिए इसमें पोटैटोज भी डाले जाते हैं और कुछ लोग कॉर्न फ्लोर का भी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने टमेटोज भी कट कर लिए हैं। अब एक पैन गरम करेंगे। मैंने कुकर लिया है, आप भी कुकर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुकर में आपको 2 चम्मच बटर और उसमें तेज पत्ता और लहसुन और अदरक डाल देना है इसमें, और थोड़ा सा उनको फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है आपको ताकि हमारा बटर जले नहीं। अब हम उसमें प्याज डालेंगे और उसे भी थोड़ा सा मिक्स करना है। फिर उसमें सारी वेजीज हम डाल देंगे जो हमने कट करके रखा था, गाजर और बीटरूट, ये सब डाल देना है, इन्हें मिक्स करना है। फिर इसमें ये मैं दालचीनी डालना भूल गई थी, इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का भी आपको डालना है। इन्हें मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें कटे हुए टमेटोज डाल देंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, और इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और फिर कुकर को हम बंद कर देंगे और इसे कम से कम 4 से 5 सीटी होने देना है आपको। चार से पांच सीटी होने के बाद कुकर को ठंडा होने दीजिए। उसके बाद उसे ओपन कीजिए। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पक चुका है। सारी सब्जियां बहुत अच्छे से पक चुकी है और इसका कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें इन्हें पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देना है। बिल्कुल भी आपको इसे गर्म नहीं रखना है। जब ये देखिए, मेरी सब्जियाँ, ये पूरा बॉइल सब्जियाँ जो थी ठंडी हो चुकी है। ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें तेज पत्ता और जो दालचीनी हमने डाला था वो हम इस निकाल देंगे और फिर इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, आपको गरम बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो आपके मिक्सर का ढक्कन खुल जाएगा। तो ये हमने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब एक छन्नी में हम इसे छान लेंगे ताकि इसका गाढ़ा पेस्ट अलग हो जाए और जो इसमें कचरा है, टमेटोज के जो छिलके रहते हैं, वो अलग हो जाए। ये देखिए, ये वेस्ट पार्ट है टमेटोज के छिलके, इसे हम फेंक देंगे और ये गाढ़ा पेस्ट हम अपने पास रखेंगे। ये देखिए,
अब एक पैन गरम करेंगे और इसमें ये पूरा ग्रेवी डाल देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। अब हम इसमें एक चम्मच शक्कर डालेंगे ताकि हमारा सूप थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद दे सके। इसमें एक चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, एक चम्मच लेमन जूस डालना है और इसे मिक्स करना है और इसे 5 मिनट तक पकने देना है। ये देखिए ये कितना गाढ़ा है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, थिक चाहिए आपको, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसे पकने दीजिए, कम से कम 5 से 6 मिनट तक आप इसे उबलने दीजिए। ये देखिए हमारा टमाटो सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत गाढ़ा भी है, एकदम होटल स्टाइल। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे एक बाउल में। आप इसे निकाल लीजिए। और इसके ऊपर क्रीम डालिए। और इसे ग्रीन कोरिएंडर लीफ या फिर पुदीने की लीफ से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टमाटो सूप बहुत ही यमी लग रहा है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप ज़रूर घर में इसे ट्राई करें, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और अभी तो मार्केट में टमेटोज भी बहुत सस्ते हैं, तो आप इजीली इसे ख़रीद सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरी रेसिपी को ध्यान से देखने के लिए। थैंक यू।